कैसा है, उसको और मजबूत कैसे करें, उसको और कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, इसके बारे में आज यह हमने बातचीत की है। और मुझे यकीन है कि हमारे सारे जो वर्कर्स हैं, हमारे सारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट्स की जो कोर कमेटी है वो बड़े उत्साह में है, और हम यहाँ अच्छे तरह से चुनाव में उतरेंगे और अच्छी जीत हमारी यहाँ से होगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है और कार्यकर्ताओं ने भी मुझे भरोसा दिया। तो कहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी है, बीजेपी को छोड़कर और कौन है? बीजेपी है और बीजेपी जम्मू कश्मीर में, और बीजेपी के आने पर ही जो जम्मू कश्मीर में सुधार हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में पिछले 4 सालों से आप देख रहे हैं कि हर आदमी खुशहाली के साथ यहाँ जी रहा है, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी, किसी प्रकार का कोई कैलेंडर ऐसा नहीं आता है। मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरी बेटी ये अपने काम पे जाती है, स्कूल जाते हैं, सारे स्कूल खुले हैं, सारे कॉलेजेस खुले हैं, सब इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कारण बदलाव आया है, इस बदलाव को लोग जो है वो बिल्कुल इसको देखते हैं, और इसके साथ साउथ कश्मीर के लोग जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अच्छी बात है, राहुल गांधी कश्मीर घाटी के दौरे पर है, इसमें तो कुछ पहले भी उसने बड़े दौरे किए हैं, बर्फ में भी यहाँ था और अब भी यहाँ है, बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन काम है, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे, हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन काम है, अपना ऑर्गेनाइजेशन काम। और अनंतनाग हल्के में जो है किस बीजेपी की जाने से किस कैंडिडेट को जो है मैदान में उतारा? मैदान में तो हम नहीं तय करते हैं, हमारे पार्टी में एक सिस्टम है, नेशनल पार्टी है, हमारे नेशनल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही तय करेगा, एक आध दिन में वो बैठ कर तय करेगा कि अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शुपियन में कौन खड़े हो जाएंगे, उनकी घोषणा होगी। उनके साथ कुछ नहीं है, हमारी अपनी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम अपनी भारतीय जनता पार्टी का विचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ही मैदान में उतरेगी, बाकी सब पार्टियां हैं उतरेंगी, हमें उसके साथ कोई नहीं है, हम अपनी पार्टी के माध्यम से उतरेंगे और अपनी पार्टी को जिताकर यहाँ से लाएंगे, यही हमारी। शुक्रिया सर।